up a drama about a schizophrenic patient with delusions the type of schizophrenia that she has is the one with delusions she has wrong beliefs if you want to know more details watch the drama it's best work i really appreciate i really appreciate hum tv network for one thing that they are addressing mental disorders in a very unique and in a very profound way the recent drama that portrayed a type of mental disorder that is called schizophrenia, and the type of schizophrenia that they portrayed was schizophrenia with delusions. शीज़ोफ्रेनिया उर्दू में कहा जाता है इसको और शीज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है जिस तरह हमारे जिसम को बीमारी लग सकती है ना हमें ऐज्मा हो सकता है हमें फेफड़ों का मसला हो सकता है हमें जोड़ों का मसला हो सकता है इसी तरह दिमाग को भी कोई बीमारी लग सकती है इट्स नॉर्मल ठीक है तो ये हो सकता है इट्स नॉट समथिंग टू हाइड एंड टू बी स्केयर्ड अबाउट एंड टू बी टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट नो जैसे आपको कोई बीमारी लगती है आपको एज्डमा होता है आपको दमा होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं जैसे आपको टी होती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं जैसे आपके गले में दर्द होता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं ऐसे ही जब आपके लाइफ uh, में रूटीन में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है आपके बिहेवियर में डिस्टर्बेंस आ रही है तो डॉक्टर के पास जाना इज़ वेरी नॉर्मल और उसी डॉक्टर के पास जाएँ जो ऑथेंटिक है जो ऑथराइज है ठीक है तो सिराब, वी वर टॉकििंग अबाउट हम टी वी टी वीज़ ड्रामा सिराप सिराब इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रामा ख़त्म हो चुका है आई एव सीन एवरी एपिसोड ऑफ इट इसमें बहुत खूबसूरती से इस किजोफ्रेनिक पेशेंट के सिम्टम्स को डिस्क्राइब किया गया है और ये बताया गया है कि ये एक बीमारी है जैसे बाकी बीमारियाँ होती हैं और इसके पेशेंट्स को भी जैसे एक सरतान होता है ना जिसमानी बीमारियों में फिजियोलॉजिकल डिजीज़ में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डिज़ीज़ जो होती है दैट इज़ सपोज टू बी कैंसर इसी तरह साइकोलॉजिकल बीमारियों में मेंटल डिसऑर्डर्स में साइकोटिक डिज़ीज़ दैट इज़ स्किजोफ्रेनिया इसमें बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि आप एक स्किजोफ्रेनिक पेशेंट को पेशेंट की तरह ही लीजिए उसकी केयर कीजिए उसे सोसाइटी से अलग मत कीजिए सोसाइटी में ही रह के अपने प्यारों में रह के अपने प्यारों से प्यार लेके और दवाइयाँ लेके वो शख्स सोसाइटी के अंदर प्रवेल कर सकता है स्कीज़ोफ्रेनिक पेशेंट ठीक नहीं होता लेकिन ठीक रह सकता है सच अ ब्यूटिफुल लाइन सच अ ब्यूटिफुल लाइन पोट्रेट इन द ड्रामा अगर आपको मेंटल हेल्थ में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स जानने के बारे में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है मेंटल हेल्थ में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है मेंटल हेल्थ की नॉलेज में जरा सा भी इंटरेस्ट है, है तो यू शुड वॉच दिस ड्रामा दिस इज ड्रामा इज़ कॉल्ड शराब एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ड्रामा दैट पोर्ट्रेस अस्किजोफ्रेनिक पेशेंट and that tells you and that tells the society ke these are also patients, just like the patients of physiological disorders, mental health disorders are also diseases that can be cured, that can be treated, and that must be treated and that must be worked upon. I hope आप ये ड्रामा जरूर देखेंगे. I hope आप मेरे uh, मुझे ये ड्रामा देख के कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा और बहुत जल्द मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगी अबाउट डिसऑर्डर आई होप आप वो वीडियो ज़रूर देखेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम आई है शेयर डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑन माई टिकटॉक ऑल्सो एंड ऑन यूट्यूब ऑल्सो आई हैव डिसाइडेड टू शेयर नॉलेज अबाउट डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स दैट आर देयर इन स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स I hope and I wish to bring a change, and I hope and I wish to end the stigma about mental health in Pakistani society, basically, and most importantly. अपना घर सही होगा अपना घर साफ होगा तभी हम दूसरों के बारे में बात कर सकेंगे दूसरों के बारे में सोच सकेंगे सबसे पहले हमारे अपने घर से रिफॉर्म्स करना बहुत जरूरी है एंड वी नीड टू मेक रिफॉर्म्स इन आर ओन सोसाइटी इन आर ओन कल्चर सो दैट द इशूज दैट आर प्रिवेलिंग फ्राम डे टू डे एंड दैट आर इंक्रीजिंग इन नंबर कैन बी डिक्रीज थैंक यू सो मच इफ यू लाइक द वीडियो इफ यू हैव गेंड सम नॉलेज फ्रॉम इट डू लाइक share and do subscribe to my channel and don't forget to hit that bell button so that you might get notification for the next video and you might not miss it thank you so much goodbye